السلام عليكم. درود شریف پڑھ لو. एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में मैंने आपको बताया था कि उसी सप्लायर से जिसको पुराना बेच रहे हैं उसी से नया खरीद रहे हैं, और इसीलिए जो पैसे पे या रिसीव हो रहे हैं वो नेट हो रहे हैं. और उसमें अकाउंटिंग इश्यूज दो इन्वॉल्व हैं. क्या कि नए को रिकॉर्ड करें तो कितने पे और पुराने को बेचें तो कितने पे. इसको ना मैं चार सिनेरियोज में जवाब दे रहा हूँ. पहले और दूसरे सिनेरियो का जवाब चूंकि सेम है इसलिए मैं इनको इकट्ठे लिख रहा हूँ. ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट कैन बी measured reliably. ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि अगर एक मशीन जो ब्रांड एबीसी की है, जैसे ना ये ग्री और ओरिएंट और इस तरह से एक मशीन है जो ब्रांड एबीसी की है और उसकी लाइफ रिमेनिंग रहती है 4 साल, और उसकी जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस है, किसी वजह से हम शायद उस एबीसी ब्रांड के शायद यहाँ पर मैकेनिक आसानी से नहीं मिलते या जो मैकेनिक्स होते थे हमारा उनसे कोई अच्छा ताल्लुक नहीं रहा, तो हम सोच रहे हैं कि ब्रांड एक्स वाई जी की मशीनों पे शिफ्ट हो जाते हैं. जैसे गाड़ी है ना कि होंडा की गाड़ी से शिफ्ट होकर टोयोटा पे आ जाए, तो उस तरह एक मशीन थी हमारे पास ब्रांड एबीसी की, 4 साल रिमेनिंग लाइफ थी, फॉर एनी रीजन हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं ब्रांड एक्स वाई जी की मशीन से. दोनों मशीनों की रिमेनिंग लाइफ भी एक जैसी, दोनों मशीनों से मिलने वाले बेनिफिट्स तकरीबन एक जैसे, बस सिर्फ ब्रांड का फर्क है. तकरीबन हमारे लिए दोनों एक जैसी चीजें हैं, मोस्ट प्रोबेबली दोनों की वर्थ भी एक जैसी होगी, दोनों की वैल्यू भी एक ही जैसी होगी. तो जिससे हम ये एक्सचेंज कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली पुराना एसेट देंगे नया एसेट ले लेंगे और कोई पैसे भी आ जाएंगे नहीं, यानी हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे. क्यों नहीं देने पड़ेंगे? क्योंकि दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, और जो पुराने वाले से बेनिफिट्स लिया करते थे वही नए वाले से भी मिलेंगे. जितने पुराने वाले की रिमेनिंग लाइफ बाकी थी, जितने पुराने वाले से बेनिफिट्स मिलने थे नए वाले से भी उतने ही होंगे, कोई पैसा भी आ जा नहीं रहा. तो इनफैक्ट कंपनी पे एसेट देने और लेने से एंड रिजल्ट फर्क कोई नहीं पड़ रहा. इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, कि जो पहले हालात थे अब वैसे ही हैं, कोई एक्स्ट्रा नया नहीं हो रहा या पुराने जो नहीं, कुछ इजाफा नहीं हो रहा ना कुछ कमी हो रही है, कोई पैसा आ जा नहीं रहा, सिर्फ बस हम ब्रांड बदलना चाह रहे थे फॉर एनी रीजन. तो इस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को कहेंगे ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस. तो अगर ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस हो और अगर ये एग्जाम में टेस्ट हुआ तो ये ऐसी सब्जेक्टिव चीज है कि आपको बताई जाएगी. तो अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, या फिर जो दो एसेट्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं उन दोनों में से किसी की फेयर वैल्यू, मतलब आप मार्केट वैल्यू कह सकते हैं, वैसे तो फेयर वैल्यू एक ब्रॉडर टर्म है लेकिन आपके लेवल पे मार्केट वैल्यू चल जाएगा, दोनों में से किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू नहीं सही निकल सकती. रिलायबली का मतलब होता है जिस पर रिलाय ना किया जा सके, रिलायबली का मतलब है जिस पर रिलाय किया जा सके. तो मार्केट वैल्यू किसी भी एसेट की रिलायबल नहीं निकल सकती. अच्छा, अगर दोनों में से किसी भी एसेट की रिलायबल मार्केट वैल्यू नहीं निकल रही तो ये दोनों एक्सचेंज जब हो रहे होंगे तो कितने पैसे लेने होंगे या देने होंगे? बहुत चांसेस हैं कि कोई पैसे लेने देने नहीं पड़ रहे होंगे. बहुत चांसेस हैं कि दोनों तभी एक्सचेंज हो पा रहे होंगे अगर एक जैसे ही होंगे, यानी इन दोनों सिचुएशंस का एंड रिजल्ट तकरीबन एक जैसा ही है. इन दोनों का एंड रिजल्ट यह है कि जो एसेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं
दोनों तकरीबन एक ही जैसी हैसियत के हैं और उनकी एक्सचेंज में कोई पैसा लेना देना इन्वॉल्व नहीं है। ये इन दोनों का तकरीबन एंड रिजल्ट यही बन रहा है जी। इन दोनों में ना एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि पैसे नहीं लिए दिए जा रहे होंगे जी। बात न्यू या ओल्ड की नहीं है, हो सकता है ओल्ड था, 5 साल चला हुआ था तो उसको हम एक्सचेंज करके भी 5 साल चला हुआ ले रहे हैं। यानी हमारे पास ऑफिस के काम के लिए पहले एक 1.1300 सीसी की टोयोटा की गाड़ी थी, अब हम उस 1300 सीसी की होंडा की गाड़ी से चेंज कर रहे हैं। जितना कोई फायदा पहले एसेट से हमने उठाना था उतना ही फायदा अब नए एसेट से उठाना है। तो इन दोनों सिचुएशंस में चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि कैश एक्सचेंज होगा। देखें अगर पहली सिचुएशन देखूं तो अगर हमें नया एसेट लेते हुए एक्स्ट्रा कैश देना पड़ रहा हुआ तो फिर पुराने और नए के बेनिफिट्स में फर्क हुआ ना, फिर हमें कुछ मजीद बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो कमर्शियल सब्सटेंस लैक तो ये नहीं है, ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कि जो बेनिफिट जैसे पहले मिल रहे थे अब भी वैसे ही मिल रहे हैं। तो अगर बिल्कुल दोनों एक जैसे एसेट्स हैं तो फिर यकीनन कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा। इसी तरह से अगर एक एसेट दे के दूसरा एसेट लेते हुए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं तो ये तभी होता ना जब दोनों की कोई वैल्यू होती। तो जब दोनों की वैल्यू ही नहीं पता चल रही तो फिर ये भी बहुत कम चांस है कि कैश लेना देना पड़ रहा होगा। इन दोनों सिनेरियोज में तकरीबन मतलब एक बनता है कि दोनों एसेट्स तकरीबन एक जैसे ही हैं और कोई कैश लेना देना नहीं पड़ रहा होगा। इन दोनों का जवाब सेम है। जवाब किस बात का? इन दोनों सिचुएशंस के अंदर हम समझेंगे कि पुराना जो एसेट दिया और उसके बदले जो नया लिया, हमें नया उतने का ही पड़ा जितने का पुराना हमारी बुक्स में था। यानी अगर पुराना एसेट हमारी बुक के अंदर 50,000 बुक वैल्यू पे आ रहा था तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्यू एसेट डेबिट ओल्ड एसेट क्रेडिट, 50,000 पुराना दे दिया उसकी जगह नया ले आए। तो नया हमें उतना ही कॉस्ट किया जितना जितने पुराना हमारी बुक्स में आ रहा था। और इसी के नतीजे में दूसरे सवाल का जवाब यह हुआ फिर कि पुराना हमारा कितने में बिक रहा है, फिर जितनी उसकी बुक वैल्यू थी भाई, उसकी सेल वैल्यू लग रही है। और इस दूसरी बात का मतलब यह हुआ दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इन दोनों सिचुएशंस का जवाब यही है। चांसेस कम है लेकिन हाँ पॉसिबल है, तभी आईएएस ने इसको एक हम असल में हम आम इंडिविजुअल्स इस चीज़ के रिलेट नहीं कर पा रहे ना क्योंकि हमारे पास इसकी ज़्यादा मिसालें नहीं है। लेकिन असल में हो सकता है, मैंने दी है मिसाल कि एक मशीन है जिससे जितने यूनिट्स हमने बनाने थे जितनी मेंटेनेंस में खर्चा आना था, अब जो उसको चेंज करके दूसरे मॉडल की मशीन ले रहे हैं उससे भी तकरीबन उतना ही यूनिट्स बनने हैं, उतना ही साल चलने हैं, उतना ही खर्चा आना है। तो ऐसा हो सकता है जी। क्या हुआ? नहीं वो ब्रांड चेंज करना चाह रहे हैं ना, जैसे अब यहाँ पर दो अलग अलग कंपनीज के एसी लगे हुए हैं, तीन, अब उसके लिए अलग अलग सर्विस के लोग बुलाने पड़ते होंगे, अलग अलग रिमोट संभाल के रखने पड़ते होंगे, तो हम चाह रहे हैं कि एक ही ब्रांड कर लें तो इसलिए चेंज करें। तीसरी सिचुएशन, फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ एसेट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली। दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है। इसमें इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए ये मिसाल देखें पहले। जो ओल्ड एसेट हमारी बुक्स में था, कॉस्ट उसकी 700 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200 थी, यानी ये 500 बुक वैल्यू वाला एसेट था। इस एसेट की जो मार्केट वैल्यू थी यानी फेयर वैल्यू, वो थी 820। न्यू एसेट की जो मार्केट वैल्यू थी वो है
1500। इन दोनों एसेट्स का एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज होने में जो हम कैश पे कर रहे हैं वो हम 700 पे कर रहे हैं। पुराना एसेट बुक्स में इतने का है, बल्कि कॉस्ट ही ना लगे आपको, ये कॉस्ट है 750। कॉस्ट वाला एसेट है, 250 डेप्रिशिएट हो चुका था, 500 इसकी बुक वैल्यू है, फेयर वर्थ इसकी 820 है। एक नया एसेट जिसकी फेयर वर्थ 1500 है, हम एक ही पार्टी को पुराना एसेट दे के नया एसेट ले रहे हैं एक्सचेंज, और साथ कैश दे रहे हैं 700। नए एसेट की कॉस्ट कितनी, नए एसेट की कॉस्ट कितनी, 1500 या 1520? हाँ जी, 1520 है, 1520। अच्छा, क्यों 1520? 1200 कैसे भाई है, क्यों? ओल्ड एसेट की वैल्यू आ सकती है, आज के वैल्यू कैश हमने 700 पे किया, तो टोटली हमने ये तो 700 दिया, लेकिन जो नया एसेट आया उसे हम 1520 पे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यू थी पुराने एसेट की 720 थी। 1200 कैसे लग गया? अच्छा चलें, एक्सचेंज से हटके एक सवाल, अगर एक प्लांट मार्केट से मिलता है 1500 का, और हम सप्लायर को निगोशिएट करके 1450 बना लेते हैं, और 1450 उसको देके हम एसेट ले आते हैं, मार्केट में वो 1500 का है, लेकिन हम उस सप्लायर से निगोशिएट करके उसको 1450 कैश दे रहे हैं और एसेट खरीद लाए, तो हमें वो कितने का कॉस्ट कर रहा है? 1450। लेकिन वैसे तो 1500 का मिलता है, नहीं लेकिन मिलता तो 1500 का है। जितने का मर्जी मिले, हमें कितने का पड़ा? अच्छा, हमें कितने का पड़ा, कैसे? हमारे पास से क्या गया उसको हासिल करने के लिए, तो हमारे पास से 1450 का कैश आउट हुआ है एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो जब हमारे पास से गया 1450 है, तो फिर हमें वो 1450 कॉस्ट किया है, होता रहे 1500 का मार्केट में। अच्छा, और मिसाल, सप्लायर ने कहा जी कि बाकी लोग 1500 दे जाते हैं, ज़बरदस्ती है, जो भी मसला है, बहरहाल हम तो तुम्हें 1520 का ही देंगे, और हम भी जो भी मजबूर हैं, 1520 कैश दिया और एसेट ले आए, तो हमें कितना कॉस्ट किया? लेकिन मार्केट में तो 1500 का होता है, लेकिन हमारे पास है तो कैश 1520 गया है ना, तो कोई भी चीज जो हम खरीद रहे हैं वो हमें उतनी कॉस्ट करेगी कि हमारे पास से क्या आउट हुआ है। अब आपको शुरू शुरू में मैंने जब आपको ये कुछ टर्म्स डेफिनेशंस वगैरह लिखवाई थी, उनमें मैंने आपको एक कॉस्ट की भी डेफिनेशन लिखवाई थी, देखें जरा पहुंचे, पता नहीं कब लिखवाई थी लेकिन लिखवाई थी। कैश पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन, इसका कॉन्सेप्ट यह है कि हम जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं वो हमें उतना कॉस्ट कर रहा है कि जो हमसे आउट हो रहा है, नया जितने का मर्जी होता हो मार्केट में, हमारे पास से क्या आउट हो रहा है? हमारे पास से 820 वर्थ का एसेट जा रहा है और 700 कैश जा रहा है, तो हमारे पास से जो आउट है वो 700 और 820 वर्थ की चीज है, तो हमें ये 1520 कॉस्ट कर रहा है, 1200 हरगिज नहीं। बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू, हम दूसरे वाले जो जिसको पुराने से बेच रहे हैं, हम उसको ये कहेंगे कि जी हमारी बुक्स में 4000 रुपए का, तो मैं 4000 का दो। हम एसेट बेचने जाएं और जिसको बेचने से कहें जी हमारी बुक्स में तो 10 करोड़ का है, तो हम तो 10 करोड़ का बेचेंगे, नहीं, हमारी बुक्स में भाई जितने का भी है, तो हम जो एसेट बेच रहे हैं वो सबकी नजर में 820 वर्थ का है, तो हमें नया एसेट एक्वायर करते हुए 820 वर्थ का एसेट देना पड़ रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन, और साथ कैश देना पड़ रहा है 700, तो हमें ये नया एसेट 820 प्लस 700 का कैश कर रहा है जी, कॉस्ट कर रहा है जी। जी जी अच्छा, जो मैं इससे पहले दो सवाल पूछ रहा था, एक मैंने सवाल पूछा था कि मार्केट में वो 1500 का मिलता है लेकिन हम 1450 का ला रहे हैं, तो फिर अच्छा, फिर मैंने अगला सवाल ये पूछा था कि मार्केट में 1500 का मिलता है लेकिन हम 1520 कैश पे कर रहे हैं, जब ट्रांजेक्शन होती है ना, तो उन ट्रांजेक्शन को करने के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमें ये अभी चाहिए था,
और बाकी शॉप्स बंद हैं सारी, तो जो शॉप्स जो इसको सेल करने वाला है उसको इन हालात का पता है, और उसको ये भी पता है कि जी ये कहीं और से पता ही नहीं करते जाके, और ये बाकियों के साथ इनके ताल्लुकात खराब हैं, या ये मार्केट में इतने खराब हैं क्योंकि पैसे टाइम पे देते नहीं हैं, तो बाकी इनको बेचने को तैयार नहीं है, कई फैक्टर्स हो गए ना। तो वो सेलर कह सकता है कि मार्केट में बिकता होगा 1500 का, मैं तो 1520 का बेचूंगा, तो हमें तो 1520 ही कॉस्ट करेगा ना। तो हमें कोई चीज कॉस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास से क्या आउट हो रहा है। तो हमारे पास से 700 कैश आउट हो रहा है और 820 वर्थ का एसेट आउट हो रहा है। तो इस सिचुएशन का जवाब है, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। अच्छा, ये प्लस माइनस कैश क्या हो गया अभी? अगर हमें एसेट भी देना पड़ रहा है साथ कैश भी देना पड़ रहा है तो प्लस है, और अगर एसेट दे रहे हैं लेकिन जो एसेट दे रहे हैं वो ज्यादा वर्थ का है और कैश हमें वापस मिल रहा है तो माइनस। तो इस सवाल का जवाब हुआ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू दिस। और दूसरे सवाल का जवाब कि पुराना एसेट हमारा बिक कितने का रहा है? 820 का। अगर हम कह रहे हैं कि हम उसको 820 वर्थ का एसेट दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा 820 वर्थ का एसेट बिक रहा है। तो पुराने की सेल वैल्यू लग रही है, फिर इसकी फेयर वैल्यू और इस दूसरे के आंसर का मतलब यह हुआ कि प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकालें? पुराने पे फिर कितना प्रॉफिट कमाया हमने? 820 का बिक रहा है ना, तो कितना प्रॉफिट कमाया हमने? 320। ये हमें मतलब पड़ा ना फिर कि हम अगर पुराना 820 का बेच रहे हैं इसका मतलब हम पुराने पे 320 कमा रहे हैं। चौथे सिनेरियो का आंसर बता दूं ना, फिर एंट्रीज भी बताता हूं। इसे ऑफ करना। यार ये जूते उतार के हाँ जी, नए की कॉस्ट 1520। ये मिसाल अगर लिखनी है तो लिखें, मैंने फिर चेंज करनी है। नीदर एसेट, नीदर नाइदर, किसी की भी नहीं पता। जी जी सर, अगर जो दोस्तों देखिए हम एक एसिड जो हमारे पास जा रहा है जो 5 साल यूज हो चुका है, उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, वो जो नया एसिड आ रहा है वो भी 5 साल यूज हो चुका है लेकिन उसकी लाइफ रिमेनिंग जो है 4 साल, क्या वो उसी का डिफरेंट कॉस्ट होगा? फिर ये डिफरेंट एसिड्स हो गए ना, फिर इन दोनों में फर्क हो गया तो यकीनन फिर पैसा भी इन्वॉल्व होगा खरीदते बेचते हुए। और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स कम ज़्यादा हैं? अच्छा, अगर मिलने वाले बेनिफिट्स कम ज़्यादा हैं तो हम कोई पैसा ले दे रहे हैं, तो फिर हम अगर पैसा नहीं ले दे रहे ना तो वो तभी हो रहा होगा कि अगर इन दोनों की फेयर वैल्यू नहीं रिलायबली मैयर हो सकती तो फिर वो दूसरा सिचुएशन होगी। ये मिसाल नोटेड? अच्छा, मैं इस मिसाल को थोड़ा कर रहा हूँ चेंज। सप्लायर ने कहा कि नया एसेट जो मैं तुम्हें बेचूंगा है तो वो 1500 का, न्यू एसेट की जो प्राइस है वो 1500 ही है तो 1500 ही है। मैं ऐसा करता हूं कि
जो पुराना एसेट है ये मैं एडजस्ट कर लेता हूं 760 का, तो तुम ऐसा करो बाकी मुझे कैश दे दो। दोबारा सप्लायर कह रहा है कि नया 1500 का है, मैं पुराना एसेट एडजस्ट कर लेता हूं, रख लेता हूं 760 में, तो तुम मुझे 740 कैश दे दो बाकी। अब ये नीला वाला डाटा नहीं मैंने चेंज किया, पुराने की फेयर वैल्यू अब भी 820 ही है, नए की फेयर वैल्यू 1500 है। अब इस सूरत में ये सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंज आ जाएगी? चेंज हो जाएगा, फेयर वैल्यू तो अभी यही है। इतना नहीं किया, सेल वैल्यू ओल्ड एसेट चेंज हो जाएगी, तो फिर ये नहीं होगी चेंज, ये भी चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या हो जाएगी? इसको ना अंग्रेजी में कुछ ऐसे कहेंगे कि फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ एसेट्स कैन बी मेजर रिलायबली एंड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। इस ट्रांजेक्शन को देख के लग रहा है कि सप्लायर इस 1500 को तो लिफ्ट करवा रहा है, 820 को लिफ्ट नहीं करवा रहा। फेयर वैल्यू है दोनों की रिलायबली मेजरेबल, लेकिन वो इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा। तो ये ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो रही है कि इसकी फेयर वैल्यू को ज्यादा लिफ्ट नहीं हो रही, इसी की फेयर वैल्यू को ज्यादा लिफ्ट हो रही है। तो इसको कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट, इज मोर क्लियरली एविडेंट। ये ना स्टैंडर्ड की टर्म्स है जो मैंने यूज किए हैं, क्योंकि सवाल में ये टर्म्स इस्तेमाल हो सकती हैं। फेयर वैल्यूज दोनों एसेट्स की पता है, लेकिन ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से बनी कि नए एसेट की फेयर वैल्यू ही नजर आ रही है, पुराने की फेयर वैल्यू नहीं नजर आ रही इस ट्रांजेक्शन में कहीं। तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। इस सूरत में जब पुराने की फेयर वैल्यू को कोई लिफ्ट ही नहीं हो रही, तो फिर हम भी नहीं लिफ्ट कराएंगे उसको। और ये जो अमाउंट है ना, ये 760, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस, पार्ट एक्सचेंज अलाउंस भी कह सकते हैं इसको, ट्रेड इन अलाउंस। यानी ट्रेड इन अलाउंस वो चीज हुई जितने पैसे हम नहीं दे रहे, जितने पैसे हम नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि उतने में पुराना एडजस्ट हो रहा है, तो इसको ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं। तो अब होगा ये कि हमारे इन फार्मूलों के अंदर ये गायब, क्योंकि इसको लिफ्टी कोई नहीं करा रहा, 820 की जगह ये 760 ले लेगा। तो इस पहले सवाल का जवाब बन जाएगा ट्रेड इन अलाउंस। यानी 760 प्लस 740, और फिर पुराना वाला हमारा फिर कितने का बिक रहा है? 760 का। पार्ट एक्सचेंज वैल्यू, जी किसको? हाँ, इसको डिस्पोजल नहीं कह रहे इसके जाने को। हाँ, यानी एक्सचेंज ऑफ एसेट में पुराने का डिस्पोजल है और नए की एक्विजिशन है। अब वो सेम से क्या मुराद है? 1500। यानी हम इसको कह सकते हैं कि नए एसेट की कॉस्ट हमें वही पड़ रही है जो उसकी फेयर वैल्यू। कैसे? तो वो तो लिफ्ट ही नहीं हुई ना उसको, वो तो कहीं है ही नहीं 820। बुक वैल्यू 500, बिक रहा है 760 का, तो 260 का प्रॉफिट हो गया। आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, 740 कैश है, 1500 में से 740 कैश दे रहे हैं,
बाकी हम पैसे नहीं दे रहे क्योंकि उतने में पुराना एडजस्ट हो रहा है, तो ये ट्रेड इन अलाउंस है। नहीं पता है, सारा कुछ पता है, सारा पता है, ये तो है ही हमारी बुक वैल्यू ना, ये तो पता ही है, ये भी पता है फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ एसेट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली, लेकिन सप्लायर लिफ्ट नहीं करवा रहा इसको। बताया होगा, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये तो मसला आ गया, कैसे पता कि दोनों के फेयर वैल्यू पता है। अब या तो आपको ये बात कह दी होगी या फिर ट्रेड एंड अलाउंस का वर्ड मिल जाएगा। ट्रेड एंड अलाउंस आ गया तो उसका मतलब ये चौथा सिनेरियो है। अगर पुराने की फेयर वैल्यू दे भी दी जाए तो फिर इग्नोर, ट्रेड एंड अलाउंस मिल गया ना तो पुराने की फेयर वैल्यू को लिफ्ट नहीं करानी। सवाल लिखे, अगर 750 का ही ले ओल्ड एसेट तो मर्जी उसकी, यानी ये 750 हो तो 750 हो जाएगा, ट्रेड एंड अलाउंस 750 हो जाएगा। हाँ सवाल लिखिए, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, वन फिफ्टी थाउजेंड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, बुक वैल्यू ऑफ पुराना एसेट 65,000, प्रॉफिट 50,000, पुराना जो बिक रहा है इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 18,000। आपसे रिक्वायर्ड है कि इस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में हमें कैश कितना देना पड़ रहा है, हमें इस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कितना कैश पे करना पड़ रहा है, बताएं। अच्छा जैसी रिक्वायरमेंट पूछी है, जैसा सवाल का डाटा है ना, तो फर्क नहीं पड़ रहा कि सिचुएशन 3 है कि 4 है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप कुछ डाटा दिया है इसमें से देखें कैश कितना, हाँ जी ये कितना 18, ये 60, तो 65,000 बुक वैल्यू पे अगर 18 प्रॉफिट कमाया तो इसका मतलब कितने का बेचा, 83 का, 83 का वो बिक रहा है तो 65 माइनस करके 18 आ रहा है ना, तो अगर 83 का पुराना बिक रहा है
तो 150 का नया लेने के लिए हमें कितना कैश देना पड़ रहा है? 67 18,000 65,000 ये निकल आएगा। इसको यहां रखेंगे 150 83 ये निकल आएगा, निकल आएगा 67 ठीक है। एक और लिखें, वो सवाल दिखाएं जो दिए थे इस चैप्टर जो कॉपियर से लिए हैं। लिखें सवाल, लिखें और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 180,000 180,000 बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 240,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75,000 कैश रिसीव्ड इन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड इन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन 50,000 नए की कॉस्ट बता दें और पुराने पे प्रॉफिट या लॉस बता दें। 50,000 कैश रिसीव किया है हमने, नए की कॉस्ट बता दें और पुराने के ऊपर प्रॉफिट या लॉस बता दें। कॉस्ट 230 फेयर वैल्यू ऑफ पुराना एसेट 180 माइनस कैश रिसीव्ड 50,000 तो नए की कॉस्ट 130 हो गई। देखें अगर कैश रिसीव हो रहा है ना तो माइनस है इसमें से, तो 180,000 माइनस कैश रिसीव 50,000 तो कॉस्ट ऑफ न्यू 130 पुराना अगर 180 का बिक रहा है जिसकी बुक वैल्यू 165 थी तो 15,000 का प्रॉफिट हो। डेढ़ सवाल होमवर्क दे रहा हूं इनमें से, एक क्वेश्चन टू, ये जो IS-16 के नोट्स है ना और ऑनलाइन मैंने आपके कोर्स में रखे हुए हैं इनमें से क्वेश्चन नंबर टू करिएगा, क्वेश्चन टू, और एक सवाल है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसकी जो रिक्वायरमेंट है मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP कराए हैं ना कल, तो ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP और SOCI रिक्वायर्ड है, कोशिश करिएगा। हाँ एक काम कम अज कम सारे करके आइएगा कि 2013 2014 2015 तीन साल हैं इनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम अज कम सारे जरूर निकालना है, ये सबसे हो गया हो, बाकी आप सवाल एज इट इज जो रिक्वायर्ड है वो करने की कोशिश जरूर करिएगा क्योंकि मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट सिखाया था कल तरीका। रिपीट कर रहा हूं, एक मैंने क्वेश्चन टू कहा इनमें से करने को और एक मैंने क्वेश्चन नंबर सिक्स कहा है, अगर क्वेश्चन नंबर सिक्स में मसले हुए तो मैं बिल्कुल करूंगा डिस्कस, लेकिन डेप्रिसिएशन तीनों ईयर की निकल आई हो सबसे। ठीक है जी, जुम्मा आज तो अल्लाह हाफिज़।